इधर उधर हमको ही ढूंढा करता है, और वहाँ पे उसका उसका भोजन नहीं मिल पा रहा, दाल चावल सब्जी रोटी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को बहुत ही दुख के साथ में बताना पड़ रहा है कि आरिफ का दोस्त सारस उनसे छीन लिया गया है, जो कि वन विभाग की टीम उनके घर पे 2-3 दिन पहले आई थी और उसको वहां से ले जा करके पंछी विहार में छोड़ देती है, जिसकी गम की जुदाई में पीछे पीछे आरिफ भाई भी अपने सारस को देखने के लिए वहां पहुंचते हैं और उसे एक तालाब के किनारे यानी पंछी विहार के अंदर ही दोस्तों वहां पे छोड़ दिया जाता है। और वहां की टीम आरिफ भाई से कहती है कि आप 20-25 दिन इसको देखने मत आइएगा। ऐसा दोस्तों कहने के बाद में और टीम को यानी वन विभाग की टीम को दोस्तों उसकी देखरेख करनी चाहिए थी और वो सारस दोस्तों वहां से उड़ने के बाद में पड़ोस के गांव में जाकर के दोस्तों वहां पे गिर जाता है और उसके बाद में कुत्ते गांव के वहां पे उसको टहला रहे हैं दोस्तों, पीछे पीछे रगदा रहे हैं ये दोस्तों, भगा रहे हैं और उसकी जान कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही ज्यादा खतरे में होती है। और कहीं गांव का कोई लोग उसको बचा लेता है आकर के, नहीं तो कुत्ते उसको तोड़ जाते, खा जाते और उसके बाद में वन विभाग की टीम को भी जवाब देना पड़ता। ऐसा दोस्तों होने के बाद में गांव के लोग वहां पे बहुत ही ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद में उस सारस को टीम ले जाकर के कानपुर चिड़ियाघर में बंद कर देती है। ये दोस्तों जो भी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये दोस्तों बहुत ही दुख के साथ में आरिफ भाई ने आपने आप खुद ही बताई है। मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूं कि कितने उदास मन से आरिफ भाई ने ये वीडियो बना करके YouTube पर डाला है। मैं बहुत ही उनके सपोर्ट में हूं, क्योंकि ऐसा टीम को नहीं करना चाहिए। अगर वो बंधक में सारस होता तो उनको वहां से छीन लेना चाहिए था। आरिफ का सारस दोस्तों बिल्कुल खुले में टहलता था, कोई भी बिल्कुल आजादी उसको थी, कहीं भी जाता कभी भी चला आता और कभी भी दोस्तों उनके घर में बंधक बना करके नहीं रखा गया। वो जब भी चाहता अपने परिवार के साथ में जाकर के टहल करके शाम को वो खुद अपने आप आ जाता है। दुनिया में दोस्तों बहुत ही ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि पंछियों को पालते हैं और बंधक भी बनाते हैं, उन पर कोई भी सरकार या कोई भी दोस्तों कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन इनका सारस दोस्तों बिल्कुल खुले में टहलता था। और बस आरिफ ने इस सारस की जान बचाई, उसके वजह से वो अपने आरिफ को अपना भाई जैसा समझने लगा। उसके बाद में दोस्तों वहीं पे रुक गया। मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूं कि आरिफ भाई ने क्या कहा है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे साइड में दिखाऊंगा कि आरिफ भाई बहुत ही उदास हैं और उन्होंने एक वीडियो बना करके दोस्तों क्या कहा है। मैं आप लोगों को लाइव दोस्तों दिखाता हूं, आप लोग वीडियो को स्किप मत करना और हो सके तो दोस्तों आरिफ भाई के लिए आप लोग भी एक वीडियो बनाइएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सुनाता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप लोग सब लोगों को पता है कि जो मेरा दोस्त था सारस, उसको वन विभाग की टीम एकाएक आती है और लेकर चली जाती है समस्तपुर पक्षी विहार, और पीछे पीछे हम भी जाते हैं उसको देखने के लिए, मिलने के लिए। फिर थोड़ी देर देखने के बाद वहां से हमको वापस कर दिया जाता है और कहा जाता है कि 20-25 दिन आप यहाँ दिखाई मत पड़ना, क्योंकि आप इससे मिल नहीं सकते अब। फिर एक दिन अचानक पक्षी वहाँ से उड़ के पास वाले गांव में जाता है, और जहाँ कुछ जंगली कुत्ते उसको और कुछ जंगली जानवर उसके ऊपर हमला बोल देते हैं, जहाँ एक लड़का अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाता है और उसकी जान बचाता है और फिर अपने घर ले जाता है। और घर ले जाने के बाद फिर उसको दाल चावल सब्जी रोटी यही खिलाता है। तब तक पूरे गांव में मतलब हल्ला हो जाता है कि वो आरिफ वाला दोस्त यहाँ पे आ गया है। फिर गांव में से एक आदमी किसी वन विभाग की टीम को सूचना दे देता है, जो समस्तपुर पक्षी विहार सलोन में है। सूचना देने के बाद फिर टीम आती है वहाँ की, उसको दोबारा ले जाके वहाँ पर बंधक बना दिया जाता है। किचन में बंधक बना के लगभग उसको 48 घंटे तक वहाँ रखा जाता है। जब पक्षी कुछ खाता नहीं, सिर्फ पानी पी रहा था, तो वन विभाग के हाथ पांव फिर से फूलने लगते हैं। उसके बाद उसके लिए और कोई दूसरी व्यवस्था के करने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक लखनऊ की चिड़ियाघर की गाड़ी जाती है और उसमें कैद करके, उस लखनऊ चिड़ियाघर की गाड़ी थी पर उसको कानपुर चिड़ियाघर में ले जाकर कैद कर दिया जाता है, जहां वो एक पिंजड़े में बंद है, बहुत ही परेशान है। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे, कैसे खड़ा था, मुंह खोले हुए वो हाँफ रहा था, इधर उधर हमको ही ढूंढा करता है, और वहां पे उसका उसका भोजन नहीं मिल पा रहा, दाल चावल सब्जी रोटी। अब ऐसे में क्या करना चाहिए क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान है। और आप लोग सपोर्ट करिए ताकि वो जल्दी से जल्दी
हमको वापस मिल जाए। जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों देखा कि आरिफ भाई बहुत ही ज़्यादा उदास हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को आरिफ और सारस की दोस्ती सच्ची लगी हो और तो आप लोगों के दिल में थोड़ी भी दया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे आरिफ भाई का सारस जल्दी से जल्दी मिल जाए। क्योंकि दोस्तों दुनिया बहुत बेदर्दी है, अगर दया आ जाती है उन टीम वालों को, वन विभाग वालों को अगर दया आ जाती है दोस्तों, तो इनको इनका सारस यानी आरिफ भाई का सारस देना ही पड़ेगा। अच्छे अच्छे काम दोस्तों हो जाते हैं इस दुनिया में, अगर दोस्तों सच्ची दोस्ती होगी तो इनका सारस जरूर मिलेगा। हम आशा करते हैं कि इनका जल्दी से सारस मिल जाए। दोस्तों इसी बात पे आप लोग इस वीडियो को लाइक करके हमारे फ्रीडम मस्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।